रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। जबलपुर में अलग अलग इलाकों में तेंदुए के देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ के गन कैरेज फैक्ट्री इलाके के लोगों ने अपने घरों से बाहर तेंदुए को घूमते देखा। मामला तब सामने आया जब सेक्टर 2 में रहने वाली शालू अपने कॉलेज से लौट रही थी। इसी दौरान उसके सामने तेंदुआ आ गया। शालू तेंदुए को देख कर घबरा गई। गनीमत ये रही कि तेंदुए ने बच्ची पर हमला नहीं किया। एंडन में पुलिया तक पहुंची हूँ और मेरे 1 या 2 हैंड डिस्टेंस पे मुझे तेंदुआ दिखा था। एंड जैसे ही मैंने उसे देखा मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी एंड मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ मैं कांप रही थी और मैंने स्कूटी अपनी स्टॉप कर दी थी। बस इतना माइंड में घूम रहा था कि मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, अगर मैं कोई भी मूवमेंट करूँगी तो वो मुझे अटैक करेगा। तो मैं बिल्कुल शांत थी, खड़ी थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तो वो थोड़ी देर रुका एंड देन चला गया। तो जैसे ही गया तो मैं तुरंत अपनी स्कूटी टर्न किया और मैं सीधे सेक्टर 1 भागी थी। एंड देन मैंने डरते हुए मम्मी को कॉल किया था कि मतलब मैं नहीं आ पा रही हूँ, आप आ जाओ जल्दी। तो फिर मम्मी साइड तक आई थी, फिर अंकल ने देखा था कि बहुत लोगों ने देखा था। तो डर था तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सिंगल रूट है जाने का। अब हमारा कॉलेज है, अब उसमें एग्जाम्स चलते हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं, तो जाना पड़ता है। इस इलाके में तेंदुआ का दिखना कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी जबलपुर के कई इलाकों में तेंदुआ देखा जा चुका है। तब वन विभाग की टीम ने उसे खदेड़ दिया था, लेकिन इस बार 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक वन विभाग की टीम ने तेंदुए को नहीं पकड़ा है। लोगों में तेंदुए की दहशत अब बढ़ती ही जा रही है। ये 15-20 दिन से ये चल रहा है कि तेंदुआ है, 4-5 लोगों ने यहाँ पे तेंदुआ को देखा है। उसके बाद अपने फैक्ट्री प्रशासन को भी बताया, फैक्ट्री प्रशासन ने भी कार्रवाई जो उनको करनी है वो कर दिए, लेकिन वन विभाग को जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग आता है, घूम के चला जाता है। उनको ये है कि उनको ठोस सबूत चाहिए, उसके बाद हमारे यहाँ से पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो ठोस सबूत उनका क्या है ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या है। कल हम ये वन विभाग क्यों नहीं हरकत में आ रही है? वन विभाग को तो आना चाहिए, वन विभाग को अपना काम करना चाहिए, पिंजरा लगाना चाहिए, जाल बिछाना चाहिए, सब कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अब कोई मर जाएगा उसके बाद ये लोग कार्रवाई करेंगे, कौन सा ठोस सबूत चाहिए उनको? स्थानीय लोगों की समस्या जब कलेक्टर भरत यादव के पास पहुंची तो उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग को वन क्षेत्र उमरिया और फिर कान्हा नेशनल पार्क से मदद लेने की बात कही है। विभाग से मेरी बात हुई है और उनकी टीम उसको सर्च कर रही है। मैंने उनसे बोला है कि आपकी टीम अगर नहीं कर पा रही है, आपको बाहर जिलों से जो एक्सपर्ट जिले हैं जहाँ पे एक्सपर्ट टीम है, जैसे जहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, चाहे उमरिया हो या सिवनी हो, बालाघाट हो, मंडला हो, यहाँ की टीम को बुला के और उसको पकड़वाएँ, क्योंकि कई जगह तेंदुआ दिख रहा है और उसमें वन विभाग फिर उसको सही से फॉलोअप नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो एक्सपर्ट टीम को बुला के और जल्दी से उसको पकड़वाएं, जिससे कि जो एक इस तरह का माहौल बन गया है कि कभी कहीं दिखता है कभी कहीं दिखता है, लोगों में डर का माहौल है। बहरहाल तेंदुआ कब पकड़ा जाएगा इसका पता तो वन विभाग के लोग ही बता पाएंगे, जो कि अभी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक शहर की कॉलोनी में तेंदुए की मौजूदगी स्थानीय लोगों की जान को खतरे में डालती है। प्रशासन को जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ना चाहिए। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।